बीबीएमबी मामले में भावें हर रोज़ एक ना एक नवा मोड़ आ जाता है। जे गल करिए कांग्रसी नेता सुनील जाखड़ की, जिन्होंने चोन कमीशन तो इजाजत मंगी है कि त्री कैबिनेट मीटिंग का हुक्म दिता जाए ता कि बीबीएमबी मामले के पंजाब सरकार कुछ ना कुछ कर सके। पर चोन जाबते लगन तो बाद जेकर गल करिए सियासी माहिरां दी, चोन जाबता लगन तो बाद कदे भी कोई कैबिनेट या पंजाब सरकार हरकत दे विच आके कोई फैसला नहीं दे सकती। इस तो बाद एक फैसला होर हो सकता है, जिस दे तहत ऑल पार्टी मीटिंग दा भी प्रावधान है। जेकर चोन कमीशन अजिही इजाजत देंदा है, गवर्नर साहब अजिही इजाजत देंदे ने, तां किते ना किते एक इस मामले नूं किसे मोड़ वल लिजाया जा सकता है। भावें कि केंद्र सरकार अपने बीबीएमबी मामले ते केंद्र सरकार वल्लों लिया गया फैसला अटल जापदा है, पर किते ना किते सारियां राजनीतिक पार्टियां एक दूजे ते इल्जाम तराशी करन दे विच लगिया होईयां। बीबीएमबी मामले उपर जेकर गल करिए राजनीतिक पार्टियां दी, राजनीतिक पार्टियां दे माहिर मानदे ने केंद्र सरकार वल्लों लिया गया फैसला पंजाब दे हक्कां ते डाका साबित हो रहा है। जेकर गल करिए केंद्रीय गृह मंत्री अते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दी, जिहड़ा जिहड़े कि पंजाब दे उपर अजिहे फैसले थोप रहे हन जिस तों बाद पंजाबियां ते पंजाब विच विचर रहीआं राजनीतिक पार्टियां दा कमल दे फुल यानी कि भारतीय जनता पार्टी की वजारत तो विश्वास उठना जायज़ है। भावें कि आने वाले दिनों के अजे फैसले कुछ ले जा सकते हैं जिन्हों का पंजाब के लोगों को नुकसान होवे, पर किते ना किते जेकर 10 मार्च तो बाद कमल दा फुल पंजाब दे विच सीटां हासिल नहीं करता तो अजे फैसला आने की संभावना